पाकिस्तान ने दूसरे टी20 मैच में वेस्ट इंडीज को 7 रन से शिकस्त दे दी। प्रोविडेंस में खेले गए मैच में पाकिस्तान की जानिब से दिए गए 158 रन के हदफ में वेस्ट इंडीज की टीम मुकर्रा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 150 रन ही बना सकी। कौमी टीम की जानिब से मोहम्मद हफीज ने शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया और अपने मुकर्रा 4 ओवर्स में 1 विकेट लेकर महज 6 रन बनाए। उमदा कारकर्दगी दिखाने पर उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। इनके अलावा शादाब खान ने भी नपीत अली गेंदबाजी की और अपने मुकर्रा 4 ओवर्स में सिर्फ 22 रन दिए। इससे कबल वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। ओपनर शर्जील खान 20, मोहम्मद रिजवान 40 और कप्तान बाबर आजम 91 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान के आउट होने के बाद पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी विकेट पर ना ठहर सका और बड़ी हिट मारते हुए विकेटें गिनवा बैठे। पाकिस्तान ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 157 रन स्कोर किए। वेस्ट इंडीज की जानिब से जेसन बॉल्डर 4 जबकि डिवाइन ब्राउ 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए। पाकिस्तान ने टीम में एक तब्दीली की। कौमी टीम मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शर्जील खान, मोहम्मद हफीज, फखर जमान, सुहेब मकसूद, शादाब खान, हसन अली, मोहम्मद वसीम, उस्मान कादिर और शाहीन शाह शामिल हैं। इस जीत के साथ पाकिस्तान को 4 मैचों में मुश्तमिल सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल होगी।